हमारा ऐसा आता है जैसे पांचवा पद, दसवा पद, सौवा पद, 98, मतलब एक पूर्ण संख्या अगर प्राप्त होती है तो जो एक पद होगा वो माइनस का 150 होगा। लेकिन यदि एन का मान बटे में प्राप्त हुआ, ठीक है, या माइनस में प्राप्त हुआ, ठीक है, या अंडर रूट में प्राप्त हुआ, तो क्या होगा, जो कोई सा भी पद माइनस 150 नहीं होगा, ठीक है, यानी एन का मान एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों हम देखते हैं, यहाँ ए का मान 11 है, डी का मान दूसरे पद में से पहला पद घटा कर निकाल लेंगे यानी -3, ठीक है, का एक पद माइनस 150 है, तो बच्चों हम मान लेंगे, माना श्रेणी का एनवा पद माइनस 150 है, ठीक है। चूँकि होता है बच्चों an बराबर a प्लस एन माइनस 1 डी, an का मान बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस का 150, क्योंकि हमने मान लिया है, ठीक है, तो माइनस 150 बराबर a का मान 11 है, n का मान ज्ञात करना है और d का मान है माइनस का 3, माइनस 150 माइनस के 11 हो जाएंगे इधर, माइनस के 3 और n माइनस 1, ठीक है, इन्हें ऐड कर लें तो ये हो जाएंगे एक, यानी 161 माइनस 3 n माइनस 1, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 161 बटे 3 बराबर n माइनस 1, 161 बटे 3 प्लस 1 बराबर n, 3 एकम 3 यानी 164 बटे 3 बराबर n। तो बच्चों यहाँ n का मान अपॉन में प्राप्त हुआ है, बटे में प्राप्त हुआ है, इसीलिए उपयुक्त श्रेणी का कोई भी पद माइनस 150 नहीं है, ठीक है, क्योंकि n का मान बटे में प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, ठीक है।